हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमारी इन्ग्रीडियंट्स है चीनी 200 ग्राम, देसी घी 100 ग्राम, इलायची पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अपनी पसंद का, 400 ग्राम बेसन। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन लिया है, इसमें देसी घी डाल देते हैं। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें 3 चम्मच सूजी ऐड कर देते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जब तक हमारा सूजी भून रहा है, बेसन भून रहा है, तब तक हम सिरप तैयार कर लेते हैं। 200 ग्राम चीनी, आधा कप पानी, गैस को हम ऑन कर देते हैं। चीनी को हम घुलने देंगे। इसको हम लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। सूजी हमारी हल्की ब्राउन होने लगी है, 1 मिनट तक और भून लेते हैं इसको। बेसन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये भून चुका है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही भून रही हूँ, जिससे जलने ना पाए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। चीनी घुल चुकी है, इसको 5 मिनट तक और उबलने देंगे। इसको हम ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। सिरप हमारा तैयार हो गया, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। जो हमने बेसन भुना था उसमें सिरप डाल देंगे। अब वापस से गैस को फिर से ऑन कर लेंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है, इसको चला इसको लगातार चलाते हुए इसको सुखा लेंगे। बेसन हमारा पैन छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन की बर्फी हमारी तैयार हो गई है, इसमें इलायची डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम गैस को बंद कर देते हैं।
अब हम एक प्लेट में देसी घी लगा लेंगे। अब हम इसमें बेसन को निकाल लेते हैं। अब हम इसको फैला देंगे चारों तरफ। इसको हम बराबर कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल दे सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस पे डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे अच्छी तरह से सेट हो जाए। 1 घंटे हो गए हैं, बर्फी हमारी पूरी ठंडी हो गई है। इसको काट लेते हैं। अब दूसरी साइड से भी काट लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, बेसन की बर्फी हमारी रेडी हो गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।